फोनी ने दस्तक दी तो धड़कनें भी तेज हो गईं। तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें देखकर सब कांपने लगे, लोग डरने लगे। करीब 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रहा फोनी हवाओं का झोंका सब कुछ अपने साथ ले जाने पर आमदा हो गया। उड़ीसा के उत्तरी तटों से फोनी जब टकराया तो 245 किलोमीटर की रफ्तार से पुरी पहुंचा, तो इसकी चपेट में पेड़ पौधे नाव गाड़ियां सब आ गई। हवाओं की रफ्तार का कहर कैसा होता है ये उसकी गवाही दे रहा है। 20 साल बाद उड़ीसा वासियों ने इस तूफान का सामना फिर से किया। तूफान के चलते उड़ीसा में बारिश और तेज हवाओं का कहर बरपता गया, जबकि खतरे को भांपते हुए लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था।